पास बुलाती है, पास बुलाती है, कितना रुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। पास बुलाती है, कितना रुलाती है। जिनके सर पे ममता की दुआएं, किस्मत वाले वो जिनकी माएं। जिनके सर पे ममता की दुआएं, किस्मत वाले वो है जिनकी माएं। किस्मत होता है करता नहीं होती, उनसे पूछो जिसकी माँ नहीं होती। चोरी सुलाती है, चुप के सुलाती है। याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है, आती है। जब जब मुझको आती है, आती है। भगवान की आंखें भर आता है, उसी समय उद्धव आते हैं, कहते प्रभु सारी दुनिया के आंसू आप पहुंचते हो, यदि आपके आंख में आंसू हो तो दुनिया का क्या होगा, दिन दुखी जीव का। भगवान कहते प्यारे उद्धव, यदि तू मुझे हंसना देखना चाहता है तो तू चला जा, और हमारे प्यारे ब्रजवासियों को समझाना, मेरे गोप गोपियों को और मेरे नंद बाबा को, मेरी मैया यशोदा को समझाना कि जब वो याद में वियोग में आंसू बहाना छोड़ देंगे तो मेरा भी आंसू सूख जाएगा। और यहाँ भगवान ने सुंदर संदेशा देकर उद्धव जी को पिता मरोढ़ा दिए, और श्याम सलोने उद्धव जी भगवान के जैसे दिख रहे हैं। आज भगवान का संदेशा लेकर मथुरा से चल पड़े वृंदावन, प्रेम नगरी वृंदावन। जाते जाते सवेरे का चला हुआ उद्धव चिंतन करते सोचते विचारते ब्रजवासियों के बारे में, धीरे धीरे चलते चलते जब संध्या का बेला हुआ, एक पर दिन का बचा हुआ था, तब जाकर के वृंदावन में पहुंचते, और उस वृंदावन के दृश्य को देख देख करके चंभित रह गए। सोचने लगे धन है ये ब्रजवासी, धन है ये ग्वाल बाल, ये वृक्षावली, ये सारी प्रकृति जिसके जहां पर भगवान इतने सुंदर तरीके से इतने अद्भुत लीला का दर्शन प्रदर्शन किए,
आज उद्धव जी जब संध्या के बेला में नंद बाबा के दरवाजे पहुंचा तो बड़ी जोर की वहां आवाज हो रही थी, चारों तरफ गौ दोहन हो रहा था। अक्रूर नंद बाबा ये उद्धव जी जब उतरे तो नंद बाबा दौड़ के आ जाते हैं। उसे तो एक क्षण के लिए लगा कि शायद मेरा लाला ही आ गया, पर ध्यान से देखा पहचान गए। फिर उद्धव जी को हृदय से लगा लिया और बड़ा सुंदर वार्तालाप यहाँ हुआ। संध्या के बेला में भोजन पानी के बाद उद्धव जी महाराज एक एक संस्मरण को सुना रहे हैं और नंद बाबा चुपचाप सुन रहे हैं और वार्तालाप होने लगी, पर यशोदा मैया के मुंह से तो बोली नहीं निकल रही, केवल आंख खुली है और सुन रही। उद्धव जी कहते बाबा देख तो जिस भगवान को ये आस लगाए बैठा है उसका तो सारा दुनिया है, एक ही जगह वो थोड़ी रहते हैं फिर से आ जाए, इसलिए उसका ध्यान करो, अंदर में उसका दर्शन करो। देख बाबा कि दुनिया में जितना भी रूप है नाम है सब उसी का है, सबका उसी का समझो और उसको प्रकट करने की चेष्टा करो। और ऐसा मत समझो हमेशा हम उसके माता पिता है, वो मेरे संतान थे, उसका कोई माता पिता नहीं होता है, वो तो हकीकत में जगत के माता पिता है, सबको बनाने वाले स्वयं भगवान। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परस्यापि सदेहो जन्म एव च सदेहो जन्म एव च। उसका कोई माता पिता नहीं। देखिए जो चीज आपको दिख रहा है, जो देखने में, जो सुनने में, ग्रहण करने में आता है, हर चीज वही है, कृष्ण तत्व से अलग कुछ नहीं है। इसलिए जो देखो सुनो ये सब में उसका अनुभव करो। नंद बाबा कहते हैं कि उद्धव आपका उपदेश तो बड़ा सुंदर है पर मैं इन आंखों को कैसे समझाऊं, जो आंख उसके बालापन को देखा है, उसके एक एक लीला को देखा है, अरे मेरी आंख में तो धारा बह रही है, आंख मेरे कहने से नहीं समझेगा, जब तक उसका दर्शन नहीं होगा ये तो ऐसे बहती रहेगी। अखिया हरि दर्शन की प्यासी देखियो चहत कमल नयन को निस्दिन रहत। रात भर वार्तालाप चली, सवेरा हुआ तो अचानक उद्धव जी सोचने लगे कि उस यमुना किनारे जाना चाहिए जहाँ हमारे प्रभु बांसुरी बजाया करते, धन्य वो पशु पक्षी वो जीव जंतु वो वृक्षावली जिसके ओट में भगवान छिप जाया करते थे, पक्षी भगवान को देख करके चहचहाते थे, मोर नाचता रहता था, ये गौ माता चारों तरफ चारण करती रहती थी और भगवान उसके पीछे दौड़ते रहते थे, कैसा दृश्य होगा। तो सवेरे में यमुना किनारे चले जाते तो देखा तो बिल्कुल उल्टा था, सारे गौ बछड़े के हाथ में आंसू भरे थे, सब मुरझाया हुआ, पक्षियों का चहचहाना कम हो गया था और यमुना मैया का पानी सूख रहा था, गोवर्धन पर्वत पर उदासीनता मुरझा छाई थी। विकल हो गए उद्धव जी, जाकर के यमुना जी में स्नान किए, वही पर देखते कि जहां कहां ये गोपियां बैठी है दूर दूर जगह पे और झुंड बना बना करके भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, उसकी कथा का चिंतन कर रही है, श्रवण कर रहे। उसी समय कुछ गोपियों की नजर जब पड़ी उद्धव जी पर तो दौड़ के आ जाती है, एक ने कहा कि देखो लगता है कि हमारे प्रभु आ गए, तो दूसरी ने कहा वो अब किस लिए आएंगे, उन्होंने तो हम लोगों का त्याग कर दिया, उसके लिए यहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ है। देखने का हो सकता है कि अपने माता पिता को देखने आए होंगे, क्योंकि उसके माता पिता भी जर्जर हो गए, नहीं तो भला उसका यहाँ कौन है, उन्होंने तो हम लोगों को ऐसे त्याग दिया जिसे कोई आम खाकर के गुठली को फेंक देता है, अथवा जिस वृक्ष का पत्ता सूख जाता तो वृक्ष से अलग हो जाता है,
अथवा जो वृक्ष में फल नहीं रहता तो चिड़िया छोड़ के वहां से चला जाता है, ऐसे उन्होंने हम लोगों को छोड़ दिया। जैसे शरीर जीर्ण शीर्ण होता तो प्राण निकल जाता है, धनहीन व्यक्ति को गणिका त्याग देती है, और पूजा करने के बाद जजमान से दक्षिणा लेकर पंडित जी विदा हो जाते हैं। इसी तरह उन्होंने हम लोगों का त्याग कर दिया। ये गोपियां पर वार्तालाप कर रही है, उसी समय एक भोरा आया और नाचने लगा। राधा रानी महारानी राशेश्वरी देवी के आंचल पर जाकर बैठा। सारी गोपियां कहते, अरे भोरा, तो फिर से मेरी रानी महारानी जी को दुख देने आ गया। तुम तो उसी का सखा लग रहे हो, तुम्हारा रंग रूप भी उसी जैसा है, काला जैसा वो तैसा तू भी है, भीतर बाहर काले हो तुम। तू भी कहीं एक जगह टिकता नहीं, हर जगह पुष्प का पराग लेके छोड़ के उड़ जाता है, ऐसे तुम्हारे मालिक ने किया। कहां तक सुना उसकी कपट कथा, सुनना चाहते हो तो सुनो। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, जिन्होंने अपना मन तन धन उसमें लगाया उन्होंने धोखा पाया। जो आज भक्त है, भक्ति में लगे रहते, लाख संकट विपत्ति झेलते, लोगों की निंदा शिकायत सब तरह की बदनाम, पर फिर भी वो कहीं के नहीं रहते। भक्ति भजन में कुछ मिलता नहीं जल्दी, और संसार से बदनामी झेलते। पर ये ऐसा रोग है भक्ति का कि इसके बिना वो रह नहीं सकते। तो जो जोगा सत्संग में सो सो बिगड़ा जाए, मैं तो आन परी चोरन की नगर सत्संग बिना जीव तरस। कि पक्षों की तरह उड़ता रहता है बिहंगा, परंतु सुन भोरा, तुम्हारे मालिक ने किसी को नहीं छोड़ा। एक बलि बड़ा धर्मात्मा दानी राजा था, यज्ञ में मुंह मांगा दान दे रहा था, पर तुम्हारे मालिक ने बौना बन के गया, छोटा रूप बना के गया, पर छोटा चीज मांगा, और ऐसा धोखा कि तीन पद धोने के चक्कर में ये तीनों लोग उस बलि राजा धर्मात्मा का लूट लिया, उसको भिखारी बना दे। एक रूप नखा थी जो रूपवती बनकर आई, सुरूपा बनकर, पर इन्होंने नाक कान कटवा करके उसको कुरूपा बना दिया। उसकी कोई गलती नहीं, सुंदरी थी बंदरी बना के भेज दी। एक सुग्रीव था, उसका भाई एक बंदर, दूसरा भाई बाली बंदर, इन्होंने उसको शिकारी की तरह चूप के मार दिया, क्योंकि शिकारी भी बंदर भालू को नहीं मारते, इन्होंने मार दिया। अब ये उद्धव जी मधुपति तव बंधो मास्त सांग सपत्य कुछ मिलित माला कुम कुम मधुपते माननी नाम प्रसाद यद सदस्य विडम्यम यस्य दूतस्तमेन्द्र। सुंदर ये गोपियों ने गीत गाए, जिसको भ्रमर गीत भागवत में कहा जाता है, भौरों के साथ वार्तालाप कर रही है। पर उसी समय जब उद्धव जी ने देखा तो देख देख करके व्याकुल हो गए। हे भगवान, लोग आदमी आदमी के बीच बैठ करके सत्संग कथा करें, पर ये गोपियों का ऐसा प्रेम कि इसके सामने कुछ दिखता ही नहीं कि कौन आदमी है कौन जानवर है, तो किसी के साथ अपना भाव भक्ति प्रकट कर देती है। धन्य है गोपियों का जीवन, ये गोपियां बस इसी भाव में बैठी रहती है, तो हमारे भगवान कब आएंगे और कब मेरे दुख को दूर करेंगे। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा।
दे बहारी। प्यासी प्यासी आँखियों में सपने बहार के सब आएगा मेरा सावरिया, सब आएगा मेरा सावरिया, सब आएगा मेरा सावरिया। जाने कब आए मुझे अपना बनाएगा, तेरे आंसू सोच कर मुझे भले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। Yeah.